नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताया था कि जिनके पास कटिंग ट्रे नहीं है, जैसे कि अब देखें मेरे पास इस तरह का 40 खंदों वाला लगभग 5 पीस है, यानी 200 कटिंग लगा सकते हैं। तो जिनके पास ये नहीं है, तो आप ये जो डिस्पोजल कप होता है, इसको पाइप कप कहा जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी पतला होता है और लंबा होता है, तो ये बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल कटिंग ट्रे की तरह आप यूज कर सकते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो मतलब जो गोलाई है इसकी 1 इंच है और इसका 1.5 इंच है, ये मान के चलिए। और जो इसकी हाइट है वो लगभग इन्हीं के बराबर है, 1-2 सेंटीमीटर छोटी होगी। तो आप इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई भी प्लांट की कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो मैं और आप इसे नीचे थोड़ा सा कट कर दीजिए यहाँ पे साइड साइड में, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ अपने गुलाब के पौधों में। तो मैं इसकी कटिंग लगाकर इसी गमले में रख दूंगा, ताकि जिससे पता चल सकेगा कि मतलब किस प्लांट की कटिंग है। और फिर मैं इस प्लांट को हटा दूंगा। देखिए, काफ़ी ये बड़ा हो गया है, तो अब इसके धीरे धीरे ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। तो ये ग्रीन रोज है, इसकी पंखुड़ियां भी ग्रीन ही होती हैं, पत्तों की तरह होती हैं। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, इसके फूल मानो इसके पत्ते हों, इसी तरह का ग्रीन होता है। तो मैं सबकी कटिंग लगाकर और ग्रो करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने अपने सारे एंडेनियम को कवर कर दिया है, कम से कम इस ठंड में तो सेफ रहेंगे। तो उसके बाद अगले साल मैं कुछ इनका अच्छा सा इंतजाम करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप भी कटिंग ट्रे की जगह ये पाइप कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।